देखिए चित्र में ये एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त की दो जीवा हैं ए बी और पी क्यू। ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर, जो ए से लेकर बी की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी बराबर है किसके, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू इस कोण के बराबर है, कोण पी ओ क्यू। अब बताइएगा जीवा पी क्यू की लंबाई क्या होगी, जो जीवा ये पी क्यू है इसकी लंबाई क्या होगी। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि जीवा की लंबाई समान होती है, यदि वृत्त की दो जीवाओं की लंबाई समान हो तो उन पे जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवा ए बी, ये ए बी जीवा है, इस पर ये कोण बन रहा है ए ओ बी, और जो पी क्यू, पी क्यू जीवा है, इस पर कोण बन रहा है पी ओ क्यू। तो फिर से देखिए जीवा ए बी पर, ए बी जीवा पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये जीवा ए बी पर है। पी क्यू, जीवा पी क्यू पर कोण कौन सा है, पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, ये देखिए यहाँ का आ गया, ये हैं बराबर। जब ये कोण बराबर हैं तो जीवा ए बी और जीवा पी क्यू भी बराबर होगी। फिर से सुनिए, यदि किन्हीं दो जीवाओं द्वारा बनाए गए कोण बराबर होते हैं तो उन जीवाओं की लंबाई भी समान होती है। इसलिए जीवा ए बी बराबर हो जाएगा जीवा पी क्यू, और ए बी का मान कितना है 5, ए बी का मान कितना है 5, तो ए बी का मान 5 है, तो पी क्यू का मान भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, एक ये वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है, इसमें एक जीवा है, एक जीवा है ये पी क्यू, पी क्यू से ये कोण बन रहा है पी ओ क्यू, ये कोण। एक और जीवा है, जीवा है एम और एन, एम और एन, ये जीवा है एम एन, और एम एन से कोण बन रहा है एम ओ एन, ये कोण बन रहा है। यदि यदि कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर हैं किसके, कोण ओ एम ओ एन, कोण एम ओ एन, ये बराबर हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो आपको बताना है पी क्यू की लंबाई क्या होगी, पी क्यू की लंबाई क्या होगी। यदि एम एन, एम एन की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, जो एम एन है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो बताइएगा पी क्यू की लंबाई क्या होगी। आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। गणित सीखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल गैन लर्निंग पॉइंट।